हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपने बेबी की हलचल दिन में कितनी बार महसूस होनी चाहिए, किस मंथ से आपको बेबी की जो मूवमेंट है वो फील होती है और कब आपको बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं होती। अगर बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर बेबी डिफरेंट होता है, हर बेबी अलग अलग मूवमेंट करता है। मतलब कि अगर कोई कहता है कि आपके बेबी को एक घंटे में 10 बार मूवमेंट जरूर करनी चाहिए तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेबी टू बेबी ही डिपेंड करता है कि वो कितनी मूवमेंट करेगा, क्योंकि हर बच्चा अपने में अलग होता है और उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, वो सब अलग होती है। कुछ बेबीज रात को ज्यादा मूवमेंट करते हैं और दिन में कम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस मंथ से बेबी की मूवमेंट महसूस हो जानी चाहिए। यदि आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको 5वें महीने के अंत में या फिर 6वें महीने की शुरुआत में बेबी की मूवमेंट महसूस होने लगती है, क्योंकि कई बार बेबी पहले भी मूवमेंट करता है पर आपको पता नहीं होता कि बेबी की मूवमेंट कैसी होती है, तो आप उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन अगर आप पहले माँ बन चुकी होती हैं तो आपको 5वें महीने की शुरुआत से या फिर अंत के बीच में भी बेबी की मूवमेंट महसूस हो सकती है। अगर आप अपने बेबी की मूवमेंट फील करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें और अपने पेट पर हाथ फिराएं। ऐसा देखा गया है कि जब आप आराम करते हैं तब बेबी की मूवमेंट ज्यादा फील होती है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड करवट करके लेटेंगी तो आपको बेबी की मूवमेंट ज्यादा महसूस होगी। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट 2 घंटे में कम से कम 10 बार होती है। ये किसी की ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि बेबी की मूवमेंट आपको कब बिल्कुल महसूस नहीं होगी, कब आपको बेबी की मूवमेंट कम होती नजर आएगी। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत 4 महीने में आपको बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका जो बेबी है वो बहुत छोटा है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो जोर से किक कर सके या फिर मूवमेंट कर सके। इसके बाद जैसा मैंने बताया, आपको 5वें महीने में मूवमेंट महसूस हो जाएगी और आपको बेबी की मूवमेंट 7वें महीने तक काफ़ी अच्छी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आपका 8वां महीना लगेगा वैसे ही ये मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी 9वें महीने में पहुंचेगी आपको बेबी की मूवमेंट बहुत कम या फिर कहो तो ना के बराबर महसूस होगी, क्योंकि 8वें और 9वें महीने में एक तो बेबी का जो आकार होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गर्भ में घूमने के लिए उसकी जगह बचती ही नहीं। और दूसरा, आपका बच्चा जो है वो सिफिलिस पोजीशन में आ जाता है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो उसके बाद उसकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसका सर आपके पेल्विस एरिया में आकर फंस जाता है। अब बात करते हैं कि आपको अगर बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको अपने बेबी की जो मूवमेंट है वो पहले महसूस हो चुकी है और अब अचानक से काफ़ी देर तक यानी लगभग 2 घंटे तक कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, तो इस टाइम आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेना है या फिर थोड़ा सा कुछ भी मीठा खा लेना है ताकि आपको एकदम से एनर्जी मिल सके और वो एनर्जी बेबी तक भी पहुंच सके। और ऐसा करने से आपको 1 या 2 मूवमेंट आपके बेबी की जरूर महसूस होंगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, 1/2 घंटा हो गया है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी का 6वां महीना खत्म होने को आ रहा है और अभी तक आपके बेबी की मूवमेंट आपको फील नहीं हुई है तो भी आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मूवमेंट पहली महसूस हो रही थी और आपको अचानक से मूवमेंट महसूस होना बंद हो गई और आपने ये सब ट्राई कर लिया पर आपको आपके बेबी की जो मूवमेंट है वो महसूस नहीं हुई, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।